हेलो गाइस, वेलकम बैक टू त्रिदेव इन्वेस्टमेंट लैब। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ पावर ग्रिड के शेयर के बारे में। इसमें हम देखें कि ये जो शेयर है अभी अप ट्रेंड बना रहा है या फिर डाउन ट्रेंड बना रहा है। अगर अप ट्रेंड बना रहा है तो कितने परसेंट तक का गेन किया है, और अगर डाउन ट्रेंड बना रहा है तो ये कितने परसेंट से अभी तक ये डाउन में चल रहा है, और जब अगले दिन मार्केट ओपन होगा तो ये अप ट्रेंड बनाएगा या फिर डाउन ट्रेंड ही बनाएगा, हम इसमें ये भी देखेंगे। इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप बिगिनर्स हैं और आप किसी भी शेयर को कन्फर्म बाई नहीं कर पा रहे तो गाइज आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं। चैनल पे आते ही चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप प्लेलिस्ट में आ सकते हैं। प्लेलिस्ट में आते हैं आपको ये दो लिस्ट मिलेंगे। अगर आप ब्लू चिप स्टॉक्स को बाय ऑन डिप्स करना चाहते हो तो गाइज मैंने ये जो शेयर आपके सामने क्लियर किए हैं आप इस शेयर को कन्फर्म कर सकते हैं, और कन्फर्म करने के बाद बाय कर अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है गाइज। अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए शेयर को बाय करना चाहते हो तो आप ये वाले प्लेलिस्ट में जाए, यहाँ से जो मैंने आपको शेयर दिए हैं आप यहाँ से शेयर को कंफर्म कर बाय कर अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो गाइस मैंने काफी क्लियरली डिस्कस किया, आप एक बार वीडियो को व्यू जरूर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इस शेयर के बारे में इस वीडियो में क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने इस वीडियो में आपके साथ ये 4 पॉइंट्स क्लियर किए हैं। नंबर फर्स्ट में आप देख सकते हैं मैंने आपके साथ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्लियर किया है कि अगर ये अप ट्रेंड बना रहा है, सॉरी अगर ये डाउन ट्रेंड बना रहा है तो इसका सपोर्ट क्या हो सकता है, कहाँ के बाद अप ट्रेंड बना सकता है, और अगर ये अप ट्रेंड बना रहा है तो इसका रेसिस्टेंस क्या हो सकता है, कहाँ के बाद वापस से अपने सपोर्ट की तरफ बढ़ सकता है। तो गाइज अगर सेकंड पॉइंट देखें तो सेकंड पॉइंट में देखने वाले हैं इस मूविंग एवरेज 20 डे का, 50 डे का और 100 डे का मूविंग एवरेज लगाकर मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ कि इसका मूविंग एवरेज के अनुसार सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या बन रहा है। नंबर थर्ड में हम गाइज देखेंगे आरएसआई, आरएसआई जो है हमें बाई का या फिर सेल का सिग्नल दे रहा है या नहीं दे रहा है। नंबर फोर में हम देखेंगे गाइस एमएसडी, एमएसडी भी जो है हमें बाई करने का सिग्नल या फिर सेल करने का सिग्नल दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये भी देखेंगे। और इससे हम पता करेंगे कि ये जो शेयर है अभी अप ट्रेंड में चल रहा है या फिर डाउन ट्रेंड में चल रहा है। मैंने ये सारे पॉइंट्स काफी क्लियरली डिस्कस किए हैं तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो गाइज आप देख रहे हैं कि मैंने 1 डे कैंडल के साथ पावर ग्रिड का चार्ट लगा रखा है, और ये कैंडल मैंने गाइज नॉर्मल कैंडल लगा रखा है। अगर आप देख सकते हैं इसने आज का जो कैंडल बना रहा है वो बीरिस कैंडल बना रहा है, और ये डाउन ट्रेंड में एक तरह से गाइज आप कह सकते हैं कि चल रहा है। और ये जो शेयर है अभी -1.05% से ये जो शेयर है अभी डाउन चल रहा है। तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने आपको लाइव चार्ट पे क्लियरली शेयर कर रहा हूँ। गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टाइमिंग और ये जो मार्केट चल रहा है आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो गाइज ये कैंडल जो आज बना रहा है ये डाउन ट्रेंड बना रहा है, ये बेरिश कैंडल बना रहा है। तो अगर गाइज इसी तरह आगे बढ़ता है तो आप देख सकते हैं इसने जो फर्स्ट सपोर्ट इसका बन रहा है 214 पे, इसको इसने अचीव किया था, पर ये अभी क्लोजिंग अभी गाइज ऊपर चल रहा है। गाइज अब इसने क्लोजिंग दिया नहीं है, अब ये ऊपर चल रहा है, तो इसे फर्स्ट सपोर्ट से अभी ऊपर चल रहा है। तो फर्स्ट सपोर्ट आप देखा जो इसका फर्स्ट सपोर्ट बन रहा है वो 214 पे बन रहा है, और अगर गाइज इसको ब्रेक डाउन करके आगे बढ़ता है तो आप इसका सेकंड सपोर्ट भी आप देख सकते हैं जो 202 पे बन रहा है। और गाइज अगर इसको भी ब्रेक डाउन करके आगे बढ़ना चाहे तो आप देख सकते हैं इसका थर्ड सपोर्ट जो बन रहा है वो 192 पे बन रहा है। अगर बाई चांस यहाँ से गाइज अगर ये अगले दिन जब मार्केट ओपन हो तो ट्रेंड रिवर्सल करना चाहे तो ट्रेंड रिवर्सल करता है, तो अगर आप ट्रेंड बनाता है तो इसका फर्स्ट टारगेट जो होगा वो आप देख सकते हैं 223 का होगा, और अगर इसको भी ब्रेकआउट करके आगे बढ़ता है तो इसका सेकंड टारगेट जो होगा वो 229 का होगा, और अगर इसको भी ब्रेकआउट करके आगे बढ़ता है तो इसका थर्ड टारगेट आप देख सकते हैं जो इसका लास्ट टारगेट अभी बन रहा है वो 235 का बन रहा है। तो गाइज आप देख सकते हैं इसने अभी अभी क्लोजिंग दिया है 216 पे, ये अभी -1.01% से शेयर जो है अभी डाउन में चल रहा है, और ये कैंडल गाइज आप देख रहे हैं ये बेरिश कैंडल बना रहा है, और अगर इसी तरह आगे बढ़ता है तो हो सकता है अपना फर्स्ट सपोर्ट को अचीव करना चाहे तो इसको एक कैंडल और बनाना पड़ेगा बेरिश, तो ये अपने फर्स्ट सपोर्ट को अचीव करेगा। तो हो सकता है जब अगले दिन मार्केट ओपन हो तो ये बेरिश कैंडल ही बनाए, डाउन ट्रेंड ही बनाए। अगर बात करते हैं इसके मूविंग एवरेज की तो देखिए इसका मैंने मूविंग एवरेज लगा रखा है, ये जो ब्लू लाइन है 20 डे का मूविंग एवरेज है, जो येलो कलर का लाइन है ये 50 डे का मूविंग एवरेज है, और जो रेड कलर का लाइन है ये 100 डे का मूविंग एवरेज है। तो आप देख सकते हैं इसने 20 का मूविंग एवरेज को अचीव कर लिया है गाइस। अब जो 20 का मूविंग एवरेज जो बन रहा था ये 218 पे बन रहा था, इसने इसको अचीव करते हुए डाउन ट्रेंड में आगे की तरफ बढ़ रहा है और अपना 50 का मूविंग एवरेज को अचीव करना चाह रहा है। तो गाइस अगर 50 का मूविंग एवरेज को अचीव करता है तो आप 50 का मूविंग एवरेज जो अभी चल रहा है वो 212 पे चल रहा है, तो अगर इसको अचीव करके आगे बढ़ना चाहे तो आप 100 के मूविंग एवरेज को भी पे भी आ सकता है, अपना थर्ड सपोर्ट अपना 100 के मूविंग एवरेज को बना सकता है जो 208 पे अभी चल रहा है। तो गाइस अगर मूविंग एवरेज के अनुसार सपोर्ट आपने देखा, फर्स्ट सपोर्ट इसने 50 के मूविंग एवरेज को अचीव कर लिया था 217 पे, और अभी ये 20 के मूविंग एवरेज जो इसका ब्लू लाइन है आपको मैंने बताया था 20 का मूविंग एवरेज, इसने 50 के मूविंग एवरेज को अचीव करते हुए 20 के मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ रहा है जो 212 पे है, और इसका थर्ड सपोर्ट आप देख सकते हैं 100 का मूविंग एवरेज जो 208 पे अभी चल रहा है। तो गाइज अगर आरएसआई की बात करें, देखिए मैंने आरएसआई लगा रखा है और आरएसआई का ग्राफ लगा हुआ है,
आप देख सकते हैं RSI जो है अभी आपको क्लियरली आपको सेल का सिग्नल दे रहा है, बाय का सिग्नल नहीं दे रहा। RSI आप लास्ट टाइम देख सकते हैं यहाँ पे इसने बाय का सिग्नल दिया था, इससे पहले भी आपको यहाँ पे इसने बाय का सिग्नल दिया था, लेकिन थोड़े समय के लिए इसने आपको सेल का सिग्नल देते हुए फिर से इसने बाय का सिग्नल दिया, और अभी अभी ये जो है सेल का सिग्नल आपको क्लियरली दे रहा है। तो RSI जो है अभी आपको सेल का सिग्नल दे रहा है, बाय का सिग्नल नहीं दे रहा। तो गाइज अगर MACD की बात करो, देखिए मैंने MACD लगा रखा है और MACD का ग्राफ लगा हुआ है। गाइज आप देख सकते हैं MACD जो है अभी आपको बाई का सिग्नल दे रहा है, सेल का सिग्नल नहीं दे रहा है, लेकिन आपको देखकर कह सकते हैं MACD को कि ये थोड़े समय के बाद यानी कि एक दो कैंडल और बनाने के बाद ये आपको सेल का सिग्नल दे सकता है। बट ये अभी आपको 1 डे के कैंडल में जो है MACD है आपको अभी ये सेल करने का नहीं बल्कि बाई करने का सिग्नल दे रहा है। तो गाइज अगर आपको पता है कि MACD लेट सिग्नल देता है, इसलिए हम इसको 4 आवर में कन्वर्ट करके एक बार चेक करना जरूर चाहेंगे। तो देखिए गाइज 4 आवर में जो है MACD आपको सेल करने का सिग्नल दे रहा है, बाई करने का सिग्नल नहीं दे रहा। इसने जो है MACD ने लास्ट टाइम आपको बाई का सिग्नल इसने यहाँ पे दिया था ये 204 पे, और अभी तक ये आपको बाई का सिग्नल क्लोज करते हुए सेल का सिग्नल दे रहा है। बट आप देख सकते हैं कि इसने 4 आवर में जो कैंडल बनाया है वो लास्ट कैंडल इसने बुलिश का कैंडल बनाया है, तो ऐसा देखकर लग रहा है कि अगले दिन ये मार्केट बुलिश ट्रेंड बनाता है, तो हो सकता है अपने टारगेट को अचीव करना चाहेगा। बट जो 4 आवर में MACD का सिग्नल अभी जो है वो आपको सेल का है, बाई का सिग्नल नहीं है। जब MACD आपको बाई का सिग्नल दे तो ही आप बाई कर सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक्स गाइस। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स नए अपडेट्स आते रहते हैं, जो लगातार नए वीडियोस में आपके लिए लाता रहता हूँ आपको मिलते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।